वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक 10 HP का किर्लोस्कर का इंजन। आज मैं इसके लोड के बारे में आपको बताऊंगा, इसके RPM के बारे में बताऊंगा, इसकी डीजल खपत के बारे में बताऊंगा और इसके HP के बारे में बताऊंगा। तो देखते रहिए हमारा ये वीडियो। ये देख सकते हैं आप, ये किर्लोस्कर का ओरिजिनल इंजन है। इसकी मैं आपको पहचान बताऊँगा कि ओरिजिनल इंजन को कैसे पहचाने। इसकी मैं आपको प्लेट दिखा देता हूँ। ये देख सकते हैं प्लेट पर लिखा हुआ है इसकी किर्लोस्कर और ISI सर्टिफाइड ये कंपनी है। पुणे का बना हुआ ये इंजन होता है। 10 HP का ये इंजन है, 1500 इसके RPM है। ये देख सकते हैं इसके ब्लॉक पर लिखा होता है किर्लोस्कर। ये देख सकते हैं ये गुदा हुआ होता है और इसके आप चिन्ह देख सकते हैं, ये किर्लोस्कर का ओरिजिनल चिन्ह होता है ये। और मैं दिखाऊंगा आपको बाकी जगह भी कि किर्लोस्कर कहाँ कहाँ लिखा होता है। किर्लोस्कर जो है सबसे ऊंची कंपनी मानी जाती है जो छोटे इंजनों में। ये बेटर माने जाते हैं क्योंकि ये बहुत ही कम तेल लेते हैं औरों की अपेक्षा। ये देख सकते हैं ये वाला चिन्ह, आप इस पे गियर बॉक्स के जो टापा होता है उस पर ये वाला चिन्ह बना हुआ होता है। तो मैं बता रहा था आपको डीजल खपत के बारे में, इसकी और इंजनों की अपेक्षा ये कम डीजल लेता है। और इसकी बॉडी जो बनी होती है बहुत ही हार्ड लोहे से बनी होती है, इसलिए इसके स्टड फेल नहीं होते हैं बॉडी के अंदर। ये देख सकते हैं इसके फिल्टर पर भी ये चिन्ह बना हुआ है। तो ये विशेष ध्यान रखें खरीदते हुए कि ओरिजिनल किर्लोस्कर पर ये सब चीज़ें आपको ज़रूर मिलेंगी। ये जो इंजन है वो ब्रास बॉडी में है, बैरिंग बॉडी के इंजन भी आते हैं। जो किर्लोस्कर इंजन है सबसे ऊँची कंपनी मानी जाती है अपनी इंडिया की, और ये बहुत ही कम डीजल लेते हैं और बहुत इनकी लाइफ बहुत ही ज़्यादा होती है और इंजनों की अपेक्षा, क्योंकि इनकी बॉडी जो बनी होती है हार्ड आयरन से बनी होती है, इसलिए इसके स्टड भी फेल नहीं होते हैं और इसको ज़्यादा बार हम खोलेंगे तो सही से ये फिट हो जाता है। ये देख सकते हैं बॉडी के एक तरफ किर्लोस्कर लिखा होता है। सबसे ज़्यादा मेन बात होती है यहाँ देखने की, जो क्रैंक होती है उसके साइड में, व्हील के साइड में लिखा होता है किर्लोस्कर, तो वहाँ देखें आप जरूर खरीदते समय। इसका विशेष ध्यान रखें खरीदते समय, तभी आपका इंजन जो होगा वो किर्लोस्कर होगा ओरिजिनल। इसके RPM में के बारे में बताऊँ आपको, तो 1500 RPM होते हैं इसके, और 10 HP का ये इंजन है। इस पर 7.5 KVA का आप अल्टरनेटर लगाइए, बहुत ही अच्छा काम करेगा। डीजल खपत के यदि मैं बारे में बात करूँ तो 1 लीटर से 1.25 लीटर प्रति घंटे का ये डीजल लेगा। दूसरे इंजनों की अपेक्षा लगभग 100 ग्राम से 150 ग्राम तक प्रति घंटा ये कम डीजल लेता है, क्योंकि इसकी सेटिंग बहुत ही अच्छी होती है, चलते हुए वाइब्रेशन नहीं करता है ये। तो जब भी आप इंजन खरीदें, यदि किर्लोस्कर खरीदेंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा, और बाकी कंपनियां भी अच्छी होती हैं लेकिन किर्लोस्कर सबसे ऊंची कंपनी मानी जाती है। इसके टंकी पर लिखा होता है, ब्लॉक पर लिखा होता है, बॉडी पर भी लिखा हुआ होता है और टापे वगैरह पर इसके चिन्ह बने हुए। दोस्तों यदि वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।